हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों ये है सेकेंड पार्ट क्लास थ्री मैथ्स के फोर्थ चैप्टर का जिसका नाम है वेकेशन विद माय नानी माम इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट वन में कवर किए और अभी हम थे पेज नंबर थर्टी फोर पर जहां सबसे पहले एक एक्सरसाइज आपको दी है लेटस डू सो पहला क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग अ गिन लड़ी ये गिनलड़ी है इसे यूज़ करके आपको इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले है थर्टी फोर प्लस सिक्स डायरेक्ट नहीं करेंगे आप गिनलड़ी से ही सॉल्व करेंगे इसमें ये एक कलर के टेन टेन बीड्स होते हैं सो थर्टी फोर देखेंगे पहले कहाँ पर है टेन ट्वेंटी थर्टी और इसके आगे फोर बीड्स वन टू थ्री फोर ये है थर्टी फोर अब इसमें प्लस करना है सिक्स तो आगे देखिए सिक्स बीड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो थर्टी फोर में सिक्स प्लस करेंगे तो आप पहुंचेंगे फोर्टी पर आंसर लिख देंगे यहाँ पर फोर्टी नेक्स्ट है या नीचे लिख दीजिए चलो यहीं पर लिख देते हैं फोर्टी आगे है ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेल्व तो देखिए ट्वेंटी थ्री कहाँ है टेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ये है ट्वेंटी थ्री अब इसमें प्लस करना है ट्वेल्व ट्वेल्व को हम कैसे प्लस करेंगे पहले टेन प्लस करिए फिर टू टेन प्लस करना बहुत आसान है ट्वेंटी थ्री प्लस टेन हो जाएंगे सीधा थर्टी थ्री इससे ये आ जाएगा यहाँ थर्टी थ्री पर और थर्टी थ्री टेन आपने प्लस किया फिर टू प्लस करिए टेन और टू ट्वेल्व होते हैं अब अगर टू आप प्लस करेंगे तो आप पहुँचेंगे थर्टी फाइव पर ओके थर्टी थ्री के बाद थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव यहाँ पर तो इसका आंसर आप लिखेंगे थर्टी फाइव नेक्स्ट आगे है थर्टी थ्री माइनस फाइव थर्टी थ्री पर आइए टेन ट्वेंटी थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री ये है थर्टी थ्री पेंसिल से करेंगे इसको ताकि आप इरेज भी करते रहे क्योंकि एक ही गिन लड़ी है और आपको चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिर माइनस करना है फाइव माइनस करना मतलब पीछे आना पांच नंबर्स पीछे आ जाइए वन टू थ्री फोर फाइव तो आप आएंगे यहाँ पर ये कौन सा नंबर है टेन ट्वेंटी और फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दिस इज ट्वेंटी एट सो थर्टी थ्री माइनस फाइव इज ट्वेंटी एट नेक्स्ट फोर्टी टू माइनस फिफ्टीन फोर्टी टू देखिए टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फोर्टी वन एंड फोर्टी टू ये है फोर्टी टू एथ भीड़ और फिर आपको जाना है माइनस फिफ्टीन पंद्रह नंबर पीछे जाना है तो पंद्रह नंबर पीछे जाने के लिए पहले हम टेन नंबर पीछे जाएंगे और फिर फाइव पहले टेन माइनस करेंगे और उसके बाद फाइव माइनस करेंगे टेन माइनस करना ईजी है फोर्टी टू से टेन पीछे जाएंगे तो आप थर्टी टू पर पहुँचेंगे ये फोर्टी टू माइनस टेन इज़ थर्टी टू और अब फाइव पीछे जाइए वन टू थ्री फोर फाइव आप आएँगे यहाँ ये देखिए कौन सा नंबर है टेन ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव वन दिस इज ट्वेंटी सेवन तो फोर्टी टू माइनस फिफ्टीन इज ट्वेंटी सेवन क्लियर है इस तरीके से गिनलड़ी को यूज करके आप क्वेश्चंस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन अ फ्रॉग इज जंपिंग ऑन द गिन लड़ी ये देखिए एक फ्रॉग है ये जंप कर रहा है गिनलड़ी के ऊपर ही इज एट सेवन अभी वो नंबर सेवन पर है ये नंबर सेवन है यहाँ पर फ्रॉग है ही वॉन्ट्स टू जम्प टेन बीड्स एट अ टाइम और वो एक जंप में दस बीड जंप करता है यानी कि सेवन के बाद वो कहाँ जंप करेगा सीधा सेवनटीन पर उसके बाद ट्वेंटी सेवन पर उसके बाद थर्टी सेवन फोर्टी सेवन फिफ्टी सेवन सिक्सटी सेवन सेवनटी सेवन इस तरीके से तो आपको बताना है मार्क द बीड्स दैट ही विल जम्प ऑन एंड राइट द नंबर्स उन बीड्स को मार्क करिए जिस पर वो जंप करेगा और नंबर लिखिए ठीक है तो ये हम देख भी चुके हैं सेवन के बाद वो जंप करेगा सेवनटीन पर ये है एक बीड पीछे था ये है नंबर सेवनटीन तीन बीड्स पहले डॉटेड लाइन से करते हैं ये है सेवनटीन बीड इसे कलर कर दीजिए मार्क करना था ठीक है ऐसे मार्क कर देते हैं इस तरीके से और नीचे लिख देते हैं 17 उसके बाद वो ट्वेंटी सेवेंथ बीड पर जंप करेगा नेक्स्ट ये है बीड नंबर ट्वेंटी सेवन मार्क किया फिर वो थर्टी सेवेंथ बीड पर जंप करेगा यहाँ ये जंप्स दिखाएंगे आप ऐसे ये है थर्टी सेवन फिर वो जंप करेगा टेन फोर्टी सेवन पर ये है बीड नंबर फोर्टी सेवन फिर वो फिफ्टी सेवन पर जंप करेगा ये है बीड नंबर फिफ्टी सेवन फिर वो सिक्सटी सेवन पर जंप करेगा सिक्सटी सेवन फिर वो सेवनटी सेवन पर जंप करेगा ये है सेवेंटी सेवन ओके ठीक है तो ये उसके जम्प्स आपको दिखाने हैं और जिन नंबर पर उसने जंप किया उसे मार्क करना है टेन टेन जंप करना अगेन बहुत ईजी है सेवन सेवनटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सेवन फोर्टी सेवन फिफ्टी सेवन सिक्सटी सेवन सेवेंटी सेवन नेक्स्ट होता तो एटी सेवन नाइन्टी सेवन वन हंड्रेड एंड सेवन वन हंड्रेड एंड सेवनटीन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन एंड सो ऑन ओके नेक्स्ट नाउ द फ्रॉग जम्प्स अगेन फॉरवर्ड बाय टेन ईच टाइम अब फिर से फ्रॉग आगे जंप करता है दस नंबर हर बार मार्क ऑल द प्लेसेस वेयर द फ्रॉग विल लैंड उन सभी प्लेसेस को मार्क करिए जहाँ पर फ्रॉग लैंड करेगा अभी वो ट्वेंटी थ्री पर है तो नेक्स्ट जंप उसका होगा थर्टी थ्री पर ट्वेंटी थ्री के बाद ये है ट्वेंटी थ्री वन टू थ्री एर थोड़ा बीच में लगा है नेक्स्ट वो तो जंप करेगा नंबर थर्टी थ्री पर थर्टी थ्री नेक्स्ट वो जम्प करेगा फोर्टी थ्री पर ये नंबर है फोर्टी थ्री नेक्स्ट वो जम्प करेगा फिफ्टी थ्री पर ये है नंबर फिफ्टी थ्री नेक्स्ट उसका जंप होगा सिक्सटी थ्री पर दिस इज नंबर सिक्सटी थ्री देन सेवेंटी थ्री थ्री ओके नेक्स्ट नाउ द ग्रास हॉपर जम्प्स बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ तो ये ग्रास हॉपर है जो बैकवर्ड पीछे की तरफ जम्प करता है बाई टेन वो भी दस नंबर जम्प करता है ईच टाइम हर बार मार्क ऑल द बीड्स दैट द ग्रास हॉपर विल जम्प आपको सभी बीड्स मार्क करने हैं जिस पर ग्रास ऑपर जम्प करेगा एंड राइट नंबर्स और नंबर्स भी लिखने हैं तो देखिए अभी ग्रास ऑपर कहाँ पर है सेवेंटी सिक्स पर है टेन नंबर पीछे जाएगा तो वो पहुँचेगा सिक्सटी सिक्स पर फिफ्टी सिक्स फोर्टी सिक्स थर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स सिक्सटीन एंड फाइनली सिक्स ठीक है तो ये नंबर्स हमें देखने अब देखना पड़ेगा ये सेवेंटी सिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये नंबर यहाँ पर आएगा वो दिस इज सिक्सटी सिक्स मार्क कर लेते हैं पहले बाद में जम्प कराएँगे फिर चार ये बाद के जो बीड्स हैं इन्हें छोड़ दीजिए फिर होगा वो वन टू थ्री फोर यहाँ पर दिस इज़ फिफ्टी सिक्स दैन यहाँ दिस इज़ फोर्टी सिक्स 36 थर्टी सिक्स उसके बाद ट्वेंटी सिक्स 16 सिक्सटीन एंड सिक्स ओके तो ग्रास ऑपर ने जम्प किया सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स से सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स से फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स से टेन पीछे फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स से टेन पीछे है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स से टेन पीछे है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स से टेन पीछे है सिक्सटीन सिक्सटीन से टेन पीछे है सिक्स ठीक ये जम्स आप दिखाएंगे एरो करेंगे और नीचे नंबर्स लिखेंगे सर्कल में भी लिख सकते हैं इनको जैसा पहला नंबर लिखा हुआ है इन्होंने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सम एंड्स आर कैरियंग बिग लीव्स टू देयर होम्स कुछ एंट्स चीटियाँ आपको दिखाई देगी जो बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ लेकर जा रही है अपने घर की तरफ ये एंट्स हैं दे विल ईट डीज लीव्स इन द रेनी सीजन जब बारिश का मौसम होगा रेनी सीजन में वो इन लीव्स को पत्तियों को खाएंगी रेनी सीजन के लिए इन्हें इकट्ठा कर रही हैं नानी माँ कैन टेल हाउ मेनी एंट्स देर आर विदाउट लुकिंग अंडर द लीव्स नानी माँ ये बता सकती है कि कितनी पत्तियाँ हैं बिना पत्ती के नीचे देखे आपको यहाँ पर पत्तियाँ दिखाई देगी लेकिन आपको नहीं पता पत्तियों के नीचे कितनी चीटियाँ हैं आपको पत्तियों के आगे की चीटियाँ दिखाई दे रही है पीछे की चीटियाँ भी दिख रही है अब इसके नीचे कितनी चीटियाँ हैं ये बहुत बड़ी पत्ती है वो आपको लिखना है नानी माँ बता सकती है अब देखते हैं आप बता सकते हैं या नहीं कैन यू ऑल्सो टेल क्या आप भी बता सकते हैं हाउ मेनी आंट्स आर देयर अंडर द लीव्स कि लीव्स के नीचे कितनी आंट्स हैं आंसर फाइंड करिए इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड और जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें आंसर्स आपको लिखने हैं दो तीन क्वेश्चन हैं यहाँ पर पहले ये देखते हैं देखो ये लीफ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके आगे चार आंट्स हैं हर एक छोटी छोटी डिस्टेंस पर एक एक आंट बैठी हुई है वन टू थ्री फोर आगे है बीच में कुछ आंट्स हैं बाद में ट्वेंटी सिक्स आंट हैं यानी कि यहाँ पर होगी आंट नंबर ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर होगी आंट नंबर फाइव तो फाइव से लेकर ट्वेंटी फाइव तक सोचिए कितनी आंट्स हैं इसमें आपको करना ये है यहाँ पर जो आंट है वो देख लीजिए ट्वेंटी सिक्स के पहले ट्वेंटी फाइव होगी और इसमें से जो आगे के नंबर हैं उन्हें माइनस कर दीजिए अगर इन आंट्स को हम हटा दें तो बीच की सभी आंट्स आपको मिल जाएंगी तो ट्वेंटी फाइव माइनस फोर आपको करना है ओके ट्वेंटी फाइव माइनस फोर कितना होगा ट्वेंटी फाइव में से टेन माइनस होंगे तो ट्वे फिफ्टीन फिर टेन माइनस किया तो फाइव और फिर वन माइनस कर दो तो फोर तो टेन माइनस किया फिर टेन माइनस किया फिर वन माइनस किया तो कितना हो गया टेन टेन ट्वेंटी एंड वन ट्वेंटी वन तो यहाँ पर ट्वेंटी वन आंट्स हैं इस लीफ के नीचे ट्वेंटी वन आंट्स हैं कैसे पता लगा आगे जो ये आंट है आपको ट्वेंटी सिक्स आंट दी है इससे पहली वाली आंट देख लीजिए ट्वेंटी फाइव होगी और फिर आगे ये जो जितनी भी आंट्स हैं स्टार्टिंग में इन्हें माइनस कर दीजिए देखो ट्वेंटी वन आंट ये है चार आगे हैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव फिर इस आंट का नंबर आया ट्वेंटी सिक्स क्लियर है तो यहां पर आप लिखेंगे ट्वेंटी वन आगे आते हैं फिर ये दो लीव्स ऐसे ही आपको दी है पहले इसे देखते हैं अब देखो ये लीफ है यहां तक ये सिक्सटी सेवन से भी आगे सिक्सटी सेवन तक है थोड़ा जूम करके देखते हैं ये नहीं सिक्सटी सेवन तक नहीं है सिक्सटी सेवन वाली जो चीटी है वो बाहर है ये सिक्सटी सिक्स तक है तो इसके नीचे जो एंट है सिक्सटी सिक्स नंबर की है और इससे पहले कित कौन से नंबर्स हैं कितने नंबर्स हैं फिफ्टी वन तो लास्ट एंट जो लीफ के नीचे है उसका नंबर है सिक्सटी सिक्स और लीफ से पहले है फिफ्टी वन एंट्स तो सिक्सटी सिक्स में से माइनस कर दीजिए फिफ्टी वन डायरेक्ट भी आप सब कर सकते हैं सिक्स माइनस वन इज फाइव सिक्स माइनस फाइव इज वन सो इस लीफ के नीचे फिफ्टीन आंट्स हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ये एक और लीफ है आगे सेवेंटी टू आंट्स से हैं और लास्ट आंट जो इसके नीचे है आखिरी चीटी जो पत्ते के नीचे है वो आपको देखनी है उसका कौन सा नंबर है पत्ते के नेक्स्ट जो चीटी है उसका नंबर है एटी फोर तो इसके अंदर जो होगी उसका नंबर होगा एटी थ्री और पहले कितनी है सेवेंटी टू एटी थ्री में से माइनस कर दीजिए सेवेंटी टू थ्री माइनस टू इज वन एट माइनस सेवन इज वन तो इसके नीचे है इलेवन आंस ओके ये आंसर्स आप लिखेंगे यहाँ पर है इलेवन फिर यहाँ पर है फिफ्टीन और इस लीफ के नीचे है ट्वेंटी वन ओके नेक्स्ट नाउ फिल इन द टेबल बाई जम्पिंग एज इंस्ट्रक्टेड जैसा कहा गया है वैसे आपको जम्प करना है और टेबल को फिल करना है सो so, फाइव से जम्प करना है यहाँ पर थर्टी फोर फाइव ऐड करोगे थर्टी नाइन थर्टी नाइन में फाइव ऐड करेंगे तो फोर्टी फोर फोर्टी फोर में फ़ाइव ऐड करेंगे तो फोर्टी नाइन ऐसे ही फिफ्टी सिक्स में फाइव ऐड करेंगे तो सिक्सटी वन सिक्सटी वन में फाइव ऐड किया तो सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स में फ़ाइव ऐड करेंगे तो सेवेंटी वन एटी सेवन प्लस इसमें और नीचे से जंपिंग है तो एटी से एटी सेवन एटी टू यानी कि माइनस करने पर एटी टू आएगा एटी टू से फाइव माइनस करेंगे सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन से फ़ाइव माइनस करेंगे तो सेवेंटी टू ओके इसमें ऐसे जंपिंग है आर ओ भी लगा दीजिए ये ये और ये ठीक है ना नेक्स्ट में सिक्स नंबर्स आपको जम्प करने हैं ट्वेंटी एट प्लस सिक्स थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस सिक्स फोर्टी फोर्टी प्लस सिक्स फोर्टी सिक्स देन फिफ्टी नाइन में सिक्स प्लस करेंगे तो सिक्सटी फाइव प्लस सिक्स सेवेंटी वन सेवेंटी वन प्लस सिक्स सेवेंटी सेवन अब यहाँ नीचे से जंपिंग है यानी कि आप माइनस कर सकते हैं सेवेंटी थ्री सिक्सटी सेवन सेवेंटी थ्री से सेवन माइनस सिक्स माइनस क्या सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन से सिक्स माइनस करेंगे सिक्सटी वन और सिक्सटी वन से सेवन माइनस सॉरी सिक्स माइनस करेंगे तो फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव प्लस सिक्स सिक्सटी वन सिक्सटी वन प्लस सिक्स सिक्सटी सेवन इसमें नीचे से आर लगेंगे ओके नाउ जम्प नाइन नाइन जम्प्स करने हैं ट्वेंटी नाइन प्लस नाइन थर्टी एट थर्टी एट प्लस नाइन फोर्टी अच्छा नाइन ऐड करना भी इजी है आप पहले टेन ऐड कर दीजिए और फिर वन माइनस कर दीजिए नाइन टेन से एक कम होता है ना जैसे ट्वेंटी नाइन में टेन प्लस करो तो थर्टी नाइन होगा लेकिन एक कम कर दोगे तो थर्टी एट हो जाएगा थर्टी एट में टेन प्लस करोगे फोर्टी एट एक माइनस कर दो फोर्टी सेवन फिर होना चाहिए फिफ्टी सेवन लेकिन एक माइनस कर दो कम कर दो फिफ्टी सिक्स ओके ट्वेल्व में टेन प्लस करो ट्वेंटी टू लेकिन एक कम कर दो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में टेन प्लस करो थर्टी वन एक कम कर दो थर्टी और थर्टी और नाइन थर्टी नाइन लास्ट में माइनस करना है नाइन्टी थ्री से टेन माइनस करोगे तो एटी थ्री एक लेकिन बढ़ा दो क्योंकि हमने नाइन माइनस करना है ना कि टेन तो एटी फोर हो जाएगा एटी फोर से टेन माइनस करोगे सेवेंटी फ़ोर लेकिन एक बढ़ा दो सेवेंटी फाइव फिर सेवेंटी फाइव से टेन माइनस करोगे सिक्सटी फाइव लेकिन एक बढ़ा दो तो सिक्सटी सिक्स तो 66 सिक्स प्लस नाइन सेवनटी फाइव सेवनटी फाइव प्लस नाइन एटी फोर एटी फोर प्लस नाइन नाइनटी थ्री ओके इस तरीके से इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट नाउ लेट अस प्ले ए गेम दिया है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्मार्टली विद नंबर ग्रिड ये नंबर ग्रिड है इससे आप स्मार्टली एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अस प्ले अ ग्रिड गेम अब हम एक ग्रिड गेम खेलेंगे ईच प्लेयर टेक्स टर्न्स रोलिंग टू डाइस टू मेक अ टू डिजिट नंबर आपको दो डाइस रोल करने हैं डाइस आपने देखे होंगे यहाँ पर नहीं दिए हैं जब आप सांप सीढ़ी खेलते हैं क्या आ, या फिर लूडो खेलते हैं तो उस टाइम पर डाइस आप रोल करते हैं देखो ऐसे होते हैं डाइस इनके ऊपर वन टू सिक्स नंबर्स होते हैं तो आपको दो डाइस लेने हैं दोनों का आप रोल करेंगे दोनों डाइस को फेंकेंगे और टॉप पर जो नंबर आया है वो देखेंगे मान लीजिए जो फर्स्ट डाई था उसके ऊपर आया नंबर टू दूसरे के ऊपर आया फाइव तो फिर टू डिजिट नंबर बनेगा ट्वेंटी फाइव इन्हें ऐड नहीं करना है आपको ठीक है डाइस आपने रोल किए दो डाइस फेंके जो टॉप पर नंबर आए हैं उन दोनों को लिख लीजिए ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव आपको तो आपका नेक्स्ट नंबर है अब उसके बाद क्या करना है या फिर अगर मान लीजिए दोनों पर टू टू आ जाता सिर्फ टू होता यहाँ पर तो नंबर होता ट्वेंटी टू ओके तो मतलब इसमें मैक्सिमम सिक्सटी सिक्स तक आपके नंबर्स आ सकते हैं तो फिर आपको उतना ही नंबर फिर आगे चलना है फर्स्ट टाइम आपने डाई रोल किया मान लीजिए पहले के ऊपर आया वन डाई के दूसरे के ऊपर आया थ्री तो आप जाएंगे थर्टीन पर फिर आपने दोबारा आपके फ्रेंड ने डाई रोल किया जिस भी नंबर पर वो गया आपने दोबारा डाई रोल किया तो एक पर आया टू और नेक्स्ट पर आया मान लीजिए फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो अब आप ट्वेंटी फाइव नंबर आगे जाएंगे और कैसे जाएंगे ट्वेंटी फाइव आगे जाना है प्लस करना है तो पहले ट्वेंटी आगे जाइए ट्वेंटी ग्रिड में कैसे जाते हैं ये देख लो टेन ट्वेंटी जब आपको टेन टेन चलना है तो आप ऊपर जाएंगे टेन आप आगे गए थर्टीन से ट्वेंटी थ्री पर पहुंचे फिर टेन आगे गए थर्टी थ्री पर फिर फाइव आगे जाइए सो so, फिर जब फाइव आगे जाना है तो ऐसे चलेंगे राइट में टेन आगे जाना है तो ऊपर और फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे सिक्स सेवन एट नाइन तक आगे जाना है तो राइट में थर्टी थ्री के बाद वन टू थ्री फोर फाइव आप पहुंचेंगे थर्टी एट पर यानी कि थर्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव होते हैं थर्टी एट चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं ऐसे ऐड नहीं करना लेकिन ग्रिड पर ऐसे चलना है टेन टेन ऊपर और वन टू थ्री है ऐसे तो उसको राइट में ओके तो दे कैन चूज़ टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऊपर भी आप जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं द फर्स्ट टू रीच अ नंबर बिटवीन नाइन्टी वन एंड हंड्रेड इज़ द विनर और जो सबसे पहले 91 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर पर पहुंचेगा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा ओके मान लीजिए बाई चांस आप 90 पर पहुंच गए तो डाइस के ऊपर 10 तो कभी नहीं आने वाला आपको पता है कम से कम 11 तो आएगा ही 1 1 दोनों के ऊपर तो फिर आप क्या कर सकते हैं नीचे आ जाइए फिर से चल लीजिए ठीक है आप ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं लेकिन आपको सबसे पहले टॉप लाइन पर पहुंचना है ये गेम है ओके okay? जैसे नंदनी इज ऐट ट्वेंटी थ्री नंदनी ट्वेंटी थ्री पर है शी हैड गॉट इलेवन ऑन द डाइस एज द नंबर उसके डाइस पर नंबर आया पहले पर वन दूसरे पर वन यानी कि एलेवन शी थिंक्स ऑफ टू वेज मूविंग टू थर्टी फोर दो तरीके हैं थर्टी फोर पर जाने के वो ट्वेंटी थ्री पर है देखिए ट्वेंटी थ्री अब एक तो ऐसे है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये लेकिन बच्चों वाला तरीका है हम कैसे जाएंगे टेन और वन इलेवन टेन पे सीधा ऊपर जंप और फिर एक जंप आगे इलेवन ठीक है तो वो पहुंचेगी थर्टी फोर नंबर पर चिराग इज़ एट नाइनटीन चिराग नाइनटीन पर है ही गेट्स फिफ्टी फोर ऑन द डाइस उसका डाइस पर आया फिफ्टी फोर इस पर फाइव और दूसरे पर सिक्स ओके तो फिफ्टी फोर कैसे आगे जाएगा नाइनटीन से देखिए 19 से फिफ्टी फोर वन टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी पर आया सिक्सटी नाइन पर अब फाइव आगे जाइए सिक्सटी नाइन से एक नंबर आगे सेवेंटी दूसरा नंबर आगे सेवेंटी वन थ्री फोर फाइव तो वो पहुंचेगा सेवेंटी फोर पर ओके नेक्स्ट अ जम्प फ्रॉम ट्वेंटी थ्री टू थर्टी फोर इज ट्वेंटी थ्री से थर्टी फोर का जंप ऐसे हो सकता है या तो टेन ऊपर गए फिर वन आगे गए जैसे हम कर रहे हैं या फिर पहले वन आगे चले जाइए फिर टेन ऊपर चले जाइए ये भी सही है अगर आपको एलेवन नंबर आगे जाना है ट्वेंटी तो थ्री से तो पहले वन चल लीजिए और फिर टेन चल लीजिए वन प्लस टेन या फिर टेन प्लस वन दोनों तरीके से आप थर्टी फोर पर ही पहुंचेंगे ओके नाउ ये तो उन्होंने बताया अब आपको चिराग को हेल्प करना है फिफ्टी फोर पर पहुंचने के लिए फिफ्टी फोर नंबर आगे पहुंचने के लिए ये हमने कर दिया और वो किस नंबर पर पहुंचेगा चलो 54 से चलते हैं 54 से 10 ऊपर जाएंगे तो 64 फिर 10 ऊपर जाएंगे ये बना लीजिए 64 फिर 10 ऊपर गए 74 फिर 10 सॉरी सॉरी 19 से चलना है ओके फिर से चलते हैं 19 से हम बॉक्स थोड़े छोटे बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऊपर जाने हैं ये बॉक्स बना लेते हैं पहले फर्स्ट बॉक्स ओके और फिर यहाँ से राइट right में जाएंगे तो हम थे नाइनटीन टेन ऊपर गए ट्वेंटी नाइन फिर थर्टी नाइन फिर फोर्टी नाइन फिर फिफ्टी नाइन फिर सिक्सटी नाइन अब फोर आगे जाना है फिफ्टी तक ऊपर चले गए टेन फिर ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी पाँच आगे वन टू थ्री फोर फाइव तो सिक्सटी नाइन से सेवेंटी फिर सेवेंटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर तो आंसर होगा सेवेंटी फोर पर वो पहुंचेगा फाइनली या फिर पहले पाँच नंबर आगे चल लीजिए नाइन्टीन से ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और फिर फिफ्टी ऊपर चल लीजिए फिर भी वो सेवेंटी फोर पर ही जाएगा ओके नेक्स्ट नाउ यूज़ द नंबर ग्रिड टू आंसर द फॉलोइंग अब देखो आप कितनी जल्दी प्लस कर पाएंगे आपको ऐड करना है नंबर ग्रेड को यूज़ करना है ये नंबर ग्रेड दी है आपको शो योर थिंकिंग बाई ड्राइंग एरोज़ इन द ग्रिड और आप क्या सोच रहे हैं कैसे आपने इसको किया उसके लिए आपको ग्रिड में एरो भी ड्रॉ करने हैं नंदनी इज आर्ट फोर्टी फाइव ठीक है ये है फोर्टी फाइव शी गेट्स थर्टी फोर थर्टी फोर आया तो किस नंबर पर जाएगी देखो टेन ट्वेंटी थर्टी वन टू थ्री फोर थर्टी फोर तो किस नंबर पर जाएगी She will land on number 79 chirag is at 75 75 ye raha yahan ये रहा यहाँ पर है चिराग 56 agar aaya to kahan jayega अगर आया तो कहाँ जाएगा sakta to वो ऊपर नहीं जा सकता तो अब उसको नीचे आना पड़ेगा फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन हमने कहा था कि आप ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं अगर ऊपर जगह नहीं है तो आप नीचे आइए तो टेन ट्वेंटी नीचे कैसे आएंगे थर्टी फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी नीचे आ गया सिक्स और पीछे जाना है सॉरी तो वन टू थ्री फोर फाइव पे वो ट्वेंटी पर जाएगा फाइव में उसको नीचे नहीं लाना नीचे जब आता है जब टेन माइनस करना हो ओके फाइव एंड सिक्स तो कहाँ पर जाएगा ही विल लैंड ऑन नंबर नाइनटीन नाउ नंदनी इज़ एट थर्टी नंदनी है थर्टी पर ये है नंबर थर्टी शी गेट्स सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स आया है तो कहाँ पर लैंड करेगी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी नाइन्टी पर पहुंच गई और नाइन्टी से छः आगे कहाँ हो जाएगी वो वन नाइन्टी से नाइन्टी वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो वो पहुंचेगी नाइन्टी सिक्स पर ओके okay? तो शी विल लैंड ऑन नंबर नाइन्टी सिक्स चिराग इज़ एट एटी नाइन चिराग है एटी नाइन पर ये है एटी नाइन यहाँ ही गेट सिक्सटी थ्री अब सिक्सटी थ्री अगेन चिराग की वही प्रॉब्लम है वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर सिर्फ ट्वेंटी तक बढ़ सकता है उसके आगे सिक्सटी सिक्स के लिए जगह नहीं है तो वो नीचे आएगा फिर सिक्सटी थ्री नंबर नीचे आएगा सो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी और फिर छः नंबर पीछे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो ही विल लैंड ऑन नंबर ट्वेंटी थ्री ओके इस तरीके से ग्रिड आपको यूज़ करनी है जब बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे अगेन अपनी बहन भाई टीचर से बोलिए uh, कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे तो ग्रेड एक टाइम के बाद आपके माइंड में ही बन जाएगी और आप बहुत जल्दी प्लस माइनस कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट नाउ मैजिक सम्स नाउ नंदनी एंड चिराग फाइंड सम पजल्स दैट नानी माँ हैड सॉल्व नंदनी और चिराग ने कुछ पजल्स ली है जो नानी माँ ने सॉल्व की ऑब्जर्व द नंबर्स वॉट डू यू नोटिस नंबर्स देखिए आप क्या नोटिस करते हैं तो ये कुछ नंबर्स किवन है थ्री टू एट फोर यहाँ पर दिए हैं सेवनटीन सेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टेन फिफ्टीन तो नानी माने यहाँ पर बीच में कुछ नंबर्स लिखे फाइव लिखा फाइव टू एट फाइव टू सेवन सेवन एंड एट फिफ्टीन फिर फाइव सिक्स सेवन एट एट और नाइन सेवनटीन यानी कि जो बाहर नंबर लिखे हैं एक्चुअली में इन सबको ऐड करके वही नंबर आता है इन तीनों को ऐड करके फिफ्टीन आएगा इन तीनों को ऐड करेंगे तो टेन थ्री फोर थ्री प्लस वन फोर फोर सिक्स टेन नाइन फोर थर्टीन और सेवन ट्वेंटी ऐसे ही यहाँ पर ऊपर से नीचे ऐड करेंगे तो नीचे वाले नंबर आएंगे अब आपको भी यही करना है ये पज़ल्स दी है इन्हें आप फिल करेंगे हर एक पज़ल में वन टू नाइन नंबर सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं एक से लेकर नौ तक द नंबर्स इन ईच रो एड अप टू द नंबर इन द नेक्स्ट बॉक्स ऑन द राइट द नंबर इन ईच कॉलम इन्हें हम बोलते हैं रोज़ तो रो में जो आप नंबर लिखेंगे वो इतने आना चाहिए सिक्सटीन ट्वेंटी टू सेवन और जो कॉलम के नंबर को ऐड करो तो एलेवन सिक्सटीन और एटीन आए आ, ओके जो नीचे नंबर्स लिखे हैं वो आने चाहिए और कोई नंबर रिपीट नहीं होगा नानी माँ के पज़ल अगर आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन सेवन एट नाइन कोई भी नंबर उन्होंने दो बार नहीं लिखा है तो अगर यहाँ पर एट आया है आप एट यहाँ नहीं लिख सकते ठीक है ये पजल्स हैं जो कि आपको सॉल्व करनी है चलिए देखते हैं तो पहले फर्स्ट कॉलम देखते हैं कि फर्स्ट रो देखते हैं क्योंकि इसमें दो नंबर्स पहले से ही लिखे हैं आपको सिर्फ एक ही नंबर लिखना है सम आना चाहिए सिक्सटीन तो एट और फाइव कितना होता है एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये थर्टीन हो गया थर्टीन में और कितना आप ऐड करें कि सिक्सटीन हो जाए थर्टीन और थ्री होते हैं सिक्सटीन तो यहाँ पर आएगा थ्री कन्फर्म नंबर हमें पता लग गया अब दूसरा कौन सा नंबर आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं इसमें भी आपको दो नंबर पता है फर्स्ट कॉलम में थ्री और वन फोर होते हैं फोर में आप कितना प्लस करें कि एवन हो जाए फोर में सेवन प्लस करने से एलेवन होगा तो ये नंबर सेवन हमें पता लगा अब हम देखते हैं लास्ट इस कॉलम में आपको एक ही नंबर पता है बस फाइव दो नंबर फाइंड हम नहीं कर सकते मुश्किल है उसके बाद इसमें भी नहीं यहाँ पर कर सकते हैं आप वन फोर तीसरा नंबर आपको मिल जाएगा फोर और वन होते हैं फाइव आपको सम चाहिए सेवन ऐसे तो फाइव में कितना प्लस करें कि सम सेवन आ जाए टू तो यहाँ पर होगा टू अब देख लीजिए सेकेंड कॉलम को फाइव और टू सेवन सेवन में कितना प्लस करें कि सिक्सटीन आ जाए सेवन और नाइन सिक्सटीन ना नाइन एंड सेवन अगेन सिक्सटीन सिक्सटीन में कितना प्लस करें कि ट्वेंटी टू हो जाए सिक्सटीन में फोर एंड फाइव सिक्स सिक्स एड करने से हो जाएगा ट्वेंटी टू तो ये आपका बन गया मैजिक स्क्वायर सभी रोज़ को आप ऐड करेंगे तो सामने वाला नंबर मिलेगा कॉलम्स को ऐड करेंगे तो नीचे वाला नंबर मिलेगा ओके okay? नेक्स्ट पर आते हैं यहाँ पर ये तीनों नंबर्स पहले से ही दिए हैं अगर फर्स्ट इसको आप सॉल्व करने जाए तो एक भी नंबर नहीं है इसको सॉल्व करने जाए तो दो नंबर लिखने पड़ेंगे इसमें भी दो नंबर दो नंबर यहाँ पर एक नंबर की ज़रूरत है इसको हम लिख सकते हैं हमें पता है इन तीनों का सम एटीन होना चाहिए अभी कितना सम है सेवन और फोर यानी कि एलेवन 11 में और कितना प्लस करें कि आ, सम हमारा एटीन आ जाए इलेवन और ये सेवन होगा यहाँ पर ये तो रिपीट हो गया नंबर और फिर यहाँ पर सम ही सेवन है तो सेवन में तो ऊपर कुछ प्लस करना ही नहीं है हमें ये रॉन्ग क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन गलत है कैसे पता लगा हमें क्योंकि लास्ट इस रो में सेवन और फोर दिया है हमें सिर्फ एक ही नंबर लिखना है तो हमारा सम एटीन हो जाएगा अब सेवन और फोर सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन हो गया एलेवन में और कितना प्लस करें हम कि सम एटीन हो जाए इलेवन में सेवन प्लस करने से एटीन आता है साथ दो बार आ गया जो नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने हर एक नंबर बस एक ही बार लिखना है जैसे हमने यहाँ पर लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कोई भी नंबर हमने रिपीट नहीं किया है ओके तो वही हम यहाँ पर भी नहीं करेंगे और अगर हमने यहाँ पर सेवन लिख दिया तो फिर इस कॉलम का तो सम ही टोटल सेवन है ठीक है तो ये क्वेश्चन है रॉन्ग इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे आगे आते हैं ना नाइन एंड सिक्स यहाँ पर देखेंगे लास्ट कॉलम में नाइन एंड सिक्स फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन में आप कितना प्लस करें कि ट्वेंटी थ्री हो जाए फिफ्टीन और टेन होते हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव से दो पीछे आ जाइए यानी कि टेन से दो पीछे एट तो इसमें एट प्लस करने से हो जाएगा ट्वेंटी थ्री एट एंड नाइन सेवेंटीन एंड सिक्स ट्वेंटी थ्री ओके या तो कन्फर्म एट है अब बाकियों को देखते हैं अब किसी में भी हर एक में दो दो नंबर मिसिंग है थोड़ा ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा कोशिश करेंगे गलत हुआ तो फिर मिटाएंगे दोबारा करेंगे देखते हैं सिक्स में क्या प्लस करें कि टेन हो जाए सिक्स में हमें सिर्फ फोर प्लस करने की ज़रूरत है ये आसान है ये हो जाएगा यहाँ पर वन और यहाँ पर थ्री थ्री और वन फोर होते हैं आप टू टू नहीं लिख सकते क्योंकि दो दो बार नहीं आ सकता है तो बाकी दो ही ऑप्शन बचे थ्री एंड वन अब देखना ये है क्या यहाँ पर वन आएगा यहाँ पर थ्री या फिर यहाँ पर थ्री यहाँ पर वन बस वही एक देखने वाली चीज़ है बाकी ये कंफर्म है कि वन और थ्री ही यहाँ पर आने वाले हैं अब बाकियों को देखते हैं एट यहाँ पर है नाइनटीन आना चाहिए यानी कि सम एट और नाइनटीन होना चाहिए इलेवन इन दो नंबर्स का यहाँ पर है नाइन सम आना चाहिए सिक्सटीन यानी कि इन दोनों नंबर्स का सम होना चाहिए सेवन सेवन हम देख सकते हैं सेवन किन नंबर्स को ऐड करके आ सकता है या तो सिक्स और वन लेकिन सिक्स और वन हम नहीं लिख सकते क्योंकि वन पहले से ही आ चुका है तो ये तो कैंसिल या फिर टू और थ्री से सॉरी टू एंड फाइव से आ सकता है टू एंड फाइव से ही आएगा क्योंकि थ्री और फोर से भी आ सकता है लेकिन थ्री हम नहीं लिख सकते वो भी पहले से ही आ चुका है तो टू एंड फाइव कन्फर्म है अब फिर से वही प्रॉब्लम है क्या टू यहाँ फाइव यहाँ आएगा या फाइव यहाँ टू यहाँ आएगा वो देख लेंगे बार बार करके तो पहले ऐसे लिखते हैं फाइव यहाँ और टू यहाँ अगर हमने लिखा तो क्या हमारी पज़ल सॉल्व होती है देखिए फाइव और ये सेकेंड कॉलम देखते हैं टू और वन थ्री ट्वेल्व अगर प्लस करेंगे थ्री में ट्वेल्व में थ्री में क्या प्लस करें कि ट्वेल्व आ जाए ये होगा नाइन लेकिन नाइन पहले आ चुका है तो ये गलत है टू इधर फाइव इधर लिख कर देखते हैं इससे भी नहीं हुआ तो फिर थ्री वन को चेंज करेंगे ये हमें कंफर्म हो चुका है यहाँ पर थ्री और वन या वन और थ्री आने वाला है और यहाँ पर टू फाइव या फाइव और टू आने वाला है अब देखेंगे फाइव और वन सिक्स सिक्स में यहाँ सिक्स आएगा ठीक है सिक्स सिक्स ट्वेल्व अब तक तो ठीक है थ्री और टू फाइव फाइव और फाइव टेन क्या यहाँ फाइव आ सकता है नहीं क्योंकि फाइव भी पहले ही आ चुका है तो ये भी गलत है यानी कि वन यहाँ पर थ्री यहाँ पर लिखेंगे इसमें बहुत आपको कोशिश करनी होगी हो सकता है ये भी गलत हो फिर हमें फ़ाइव टू को चेंज करना पड़े तो फाइव सिक्स सेवन एट एट और फोर ट्वेल्व ठीक है और यहाँ पर टू प्लस वन थ्री थ्री में क्या प्लस करें कि टेन आ जाए सेवन सेवन हो गया क्वेश्चन देखो अगर इसको भी आप देखें यहाँ मिडल वाला नाइनटीन आना चाहिए एट और फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन ठीक है थ्री और वन फोर फोर और सिक्स टेन टू फाइव सेवन और नाइन सिक्सटीन अब इसको आप कहीं से भी ऐड करेंगे कॉलम वाइज ऐड करिए तो टेन ट्वेल्व और ट्वेंटी थ्री आएगा चलो लास्ट वाला ट्वेंटी थ्री भी देख लेते हैं ऐसे बन जाएगा ट्वेंटी थ्री नाइन uh, और सिक्स ये तो हमने सबसे पहले ही बनाया था ठीक है ये ट्वेंटी थ्री है फाइव फोर नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व भी ठीक है सेवन एट नाइन प्लस वन टेन भी ठीक है थ्री वन फोर और सिक्स टेन सेवन फोर इलेवन प्लस एट नाइनटीन ठीक है टू फाइव सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन भी ठीक है ओके ये तो इन दोनों के आंसर्स हैं आप नोट डाउन कर लेंगे कैसे हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए इसमें तो हमें सीधे सीधे पता लग गया एक ही नंबर हमें डिसाइड करना था इसमें थोड़ी सी मुश्किल हुई क्योंकि बहुत सारे नंबर्स मिसिंग हैं सिर्फ दो ही नंबर्स हमें दिए हैं तो उसमें बार बार आपको कोशिश करनी है मिटाते रहेंगे लिखते रहेंगे और ये रॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट वाला सॉरी सॉरी मिडल वाला बीच में जो है नाउ ऑल द नंबर्स इन द ब्लू बॉक्सेस एंड द नंबर्स इन द रेड बॉक्सेस इन ईच ऑफ द पजल्स ऐड करिए उन्हें एंड वॉट डू यू फाइंड चलो ये और देखते हैं रेड बॉक्स में और जो ब्लू बॉक्स में ये जो नंबर्स दिए हैं इनको ऐड करके देखिए आपको क्या मिलता है टेन और ट्वेल्व ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में ट्वेंटी थ्री ऐड करेंगे तो फोर्टी फाइव होगा अब इन तीनों को ऐड करते हैं टेन uh, और नाइन्टीन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन और सिक्सटीन भी फोर्टी फाइव है दोनों का सम सेम है फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पर सिक्सटीन एंड ट्वेंटी टू ये हो जाएगा सिक्सटीन एंड ट्वेंटी टू इज़ थर्टी एट थर्टी एट और सेवन एट सेवन फिफ्टीन वन फोर फोर्टी फाइव इनका सम भी फोर्टी फाइव है क्या इनका भी सम फोर्टी फाइव है देखते हैं इलेवन एंड सिक्सटीन इज सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस एटीन एट सेवन फिफ्टीन फाइव वन टू थ्री फोर इनका भी सम फोर्टी फाइव है तो सभी का सम फोर्टी फाइव है ये हमने देखा सभी रेड और ब्लू नंबर्स का सो वॉट डू यू फाइंड वी फाइंड सेम सम विच इज फोर्टी फाइव हमें हर बार सेम सम मिला रेड नंबर्स का और ब्लू नंबर्स का जो कि है फोर्टी फाइव ओके नानी माँ वॉज डूइंग समथिंग इन द न्यूज पेपर नानी माँ न्यूज पेपर में कुछ कर रही थी नंदनी एंड चिराग लुकड इन टू वॉट शी वॉज डूइंग नंदनी और चिराग देखते हैं कि वो क्या कर रही है नानी माँ वॉट इज सो मैजिकल अबाउट दिस स्क्वायर इस स्क्वायर के बारे में क्या बहुत मैजिकल चीज है इसे बोलती है मैजिक स्क्वायर अब देखो कैसे मैजिक है इसमें आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ऐड अगर करेंगे यहाँ पर आपको हर बार सम 15 मिलेगा देखो सिक्स प्लस टू एट एट प्लस सिक्स प्लस टू नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन नाइन प्लस वन टेन टेन और फाइव फिफ्टीन एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन तीनों का सम 15 है कॉलम्स को अगर हम ऐड करें नाइन टेन 11, 11 और फोर फिफ्टीन फाइव सिक्स सेवन एट और सेवन फिफ्टीन सिक्स वन सेवन एंड फाइव फिफ्टीन इनफैक्ट अगर ऐसे आप डायग्नली स्लान्ट उसमें भी ऐड करते हैं तो भी सम फिफ्टीन है देखिए एट और टू टेन और फाइव फिफ्टीन सिक्स एंड फाइव इलेवन एंड फोर फिफ्टीन तो इसको आप चाहे रो वाइज ऐड करें कॉलम वाइज ऐड करें डाइग्नली ऐड करें हर बार सम फिफ्टीन आता है इसे हम बोलते हैं मैजिक स्क्वायर ओके मैजिक 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 विद नंबर्स वन टू नाइन आपको एक से नौ तक नंबर्स लिखने हैं ऐड द नंबर्स इन अ लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट अगर आप ऐड करेंगे टॉप टू बॉटम ऐड करेंगे डिड यू फाइंड द मैजिक मैजिक आपको मिला बिल्कुल सम फिफ्टीन है नाउ ट्राई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप हर जगह से चाहे आप नीचे से ऊपर जाइए ऊपर से नीचे सम फिफ्टीन ही मिलेगा समथिंग मोर ऐड द नंबर्स ऑन द डायगनल डायगनल में अगर आप नंबर ऐड करेंगे तो भी फिफ्टीन है जेंट इट मैजिकल क्या ये मैजिकल है बिल्कुल मैजिकल है अब आपको नंबर्स यहां पर फिल करने हैं मैजिक स्क्वायर बन जाए जिससे कि एक तरीका मैं आपको बताती हूँ मैजिक स्क्वायर बनाने का पहले उसे सीख लेते हैं फिर हम इसे फिल करेंगे आपको क्या करना है ये एक स्क्वायर बना लीजिए पहले तो तीन इसमें कॉलम्स हैं और तीन इसमें रोज हैं ओके थ्री कॉलम्स एंड थ्री रोज इसमें एक से नौ तक आपको नंबर्स लिखने हैं और सम हर बार फिफ्टीन आना चाहिए अब आपको करना क्या है सबसे पहले हर जगह बीच में ये जो सेल्स हैं चारों इनको बढ़ा लीजिए साइड में ऐसे अपनी तरफ से ठीक है इतना कर लिया अभी आप वन टू नाइन नंबर्स लिखेंगे ऐसे डायगनल में तिरछे और हर बार वही डाइग्नल होने चाहिए जहाँ पर तीन नंबर्स आप लिख पाए आप लिखेंगे वन टू थ्री ठीक है यहाँ पर डायगनल में सिर्फ दो ही नंबर्स लिख सकते हैं फोर फाइव तो इनको नहीं लिखना है इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर लिखेंगे इस डायगनल में फोर थ्री uh, के बाद आएगा फोर फाइव सिक्स नाइन से नंबर्स लिखने हैं फिर इन दोनों को छोड़ दीजिए सिक्स के बाद सेवन एट नाइन यहाँ पर नंबर्स लिखिए इतना कर लिया आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब क्या करना है अब ये जो बाहर के स्क्वायर्स थे इनको हम हटाएंगे और इन नंबर्स को अंदर शिफ्ट करेंगे कैसे ये वन है जो स्क्वायर के बाहर है आपका एक्चुअली में मैजिक स्क्वायर बस इतना ही है ये मैजिक स्क्वायर है बाहर वाली साइड तो हमने खुद से बनाई थी ठीक है ये मैजिक स्क्वायर है अंदर तो आपको इस वन को अंदर शिफ्ट करना है ये अंदर जाएगा यहाँ से लेकिन अपने साइड में नहीं जाएगा ये इधर शिफ्ट होगा उसी लाइन में उसी रो में लेकिन दूसरी तरफ ठीक है अपने पड़ोस में नहीं जाएगा तो वन इधर शिफ्ट किया आपने वन को यहाँ से हटा दीजिए यहाँ पर आया नाइन भी इसी लाइन में जाएगा लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से हटाइए यहाँ लेकर आइए थ्री इसी कॉलम में जाएगा इसी लाइन में लेकिन अगेन अपने पड़ोस में नहीं भेजना है उसको दूसरी तरफ यहाँ आएगा थ्री और ये था सेवन सेवन को लेकर जाइए ऊपर ठीक है सारे नंबर्स आपने शिफ्ट कर दिए कर दिए अब चाहे तो बाहर से आप इनको इरेज भी कर सकते हैं इनको हटा दीजिए या फिर रहने दीजिए चलो ये माइन ही हमने हटा दिया अब ये जो आपका स्क्वायर बना है इसमें आप कोई भी रो कोई भी कॉलम डायगनल भी ऐड करेंगे तो सम आपको फिफ्टीन मिलेगा कर लीजिए टू प्लस सेवन वही है जो गिवन था क्वेश्चन में नाइन नाइन और सिक्स फिफ्टीन नाइन और वन टेन और फाइव फिफ्टीन एट और थ्री एलेवन और फोर फिफ्टीन ठीक है सारी रोज़ का सम फिफ्टीन है ऐसे भी ऐड करेंगे नाइन टेन 11 और फोर फिफ्टीन फाइव सिक्स सेवन एट और सेवन फिफ्टीन सिक्स वन सेवन एंड एट फिफ्टीन आप चाहे तो डाइगनल ऐड कर लीजिए तब भी सम फिफ्टीन है देखिए एट एंड टू टेन टेन और फाइव फिफ्टीन ओके फोर और फाइव नाइन नाइन और सिक्स फिफ्टीन ठीक है इस तरीके से आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है पहले स्क्वायर बनाइए थ्री बाई थ्री का यहाँ से एक्सटेंड कर लीजिए इनको ये खाली स्क्वायर होगा फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नंबर्स ऐसे लिखिए और फिर बाहर वाले नंबर्स को शिफ्ट कर दीजिए क्लियर है ये तरीका है मैजिक स्क्वायर बनाने का अब हम आते हैं इसको जो हमें कंप्लीट करना है ओके एक तो मैजिक स्क्वायर में हमेशा बीच में नंबर आता है नंबर फाइव हमने जो बनाया उसमें भी फाइव था और यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है इसमें भी फाइव है तो कुछ नंबर्स इन्होंने लिखे हैं तीन नंबर्स पहले से ही लिखे हुए हैं एक हमने लिख दिया फाइव ये कन्फर्म है फ़ाइव ही आएगा अब बाकी के नंबर्स आप सोचिए नाइन और फाइव नाइन एंड फाइव फोटीन फोर्टीन में वन प्लस हो के आएगा फिफ्टीन तो यहाँ पर फिफ्टीन वन आएगा सिक्स और वन सेवन सेवन में एट प्लस हो के आएगा फिफ्टीन तो वहाँ पर एट आ जाएगा एट और थ्री एट नाइन टेन एलेवन इलेवन में फोर प्लस हो के आएगा फिफ्टीन तो वहाँ पर फोर लिख दीजिए फाइव और थ्री फाइव सिक्स सेवन एट एट में सेवन uh, प्लस हो के आएगा फिफ्टीन सेवन लिख दीजिए नाउ सेवन एंड सिक्स कर लीजिए नाइन एंड फोर कर लीजिए थर्टीन होता है दोनों ही थर्टीन में टू प्लस हो के आएगा फिफ्टीन ये हो गया आपका मैजिक स्क्वायर आप कैसे भी ऐड करें सम हमेशा फिफ्टीन होगा क्लियर है एक तो तरीका है आपको सीधा बोल दिया जाए मैजिक स्क्वायर बनाओ तो उसकी ट्रिक हमने देख ली है ये करना है आपको यहाँ से बढ़ाना है चारों तरफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बाहर वाले नंबर्स को शिफ्ट करना है वन इधर ये सेवन ऊपर ये बन गया मैजिक स्क्वायर या फिर अगर आपको ऐसे दिया है कि तीन चार नंबर पहले से लिखे हैं बाकी कहा गया है इसको कंप्लीट करिए तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए सेंटर में हमेशा फाइव आता है बाकी नंबर्स चेंज हो सकते हैं यहाँ पर आप फाइव लिख देंगे और फिर वैसे ही जैसे हमने ऊपर स्क्वायर्स कंप्लीट किए थे इसको कंप्लीट करेंगे ओके आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग